press the bell icon for all the updates. ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सबसे पहले मैं शुक्रिया और कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मैगज़ीन को, वेडिंग वाउस को. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी द कवर गर्ल एंड कवर स्टार ऑफ 7th एनिवर्सरी इशू ऑफ वेडिंग वाउस. हमारी बहुत ही स्पेशल थीम है जिसे कहते हैं स्पाइसी थीम. एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन अनारकलीज, इंडियन लहंगाज, इंडियन डिज़ाइनर्स आउटफिट्स में आप मुझे देखेंगे इस एंटायर लुक में वेडिंग वाउस के. एंड वी आर शूटिंग इन दिस सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन बाय हॉलीडे इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो या आई एम रियली हैप्पी एंड कांट वेट फॉर द शूट टू कम आउट. इसके अलावा कितने चेंजेस हैं? वी हैव हमारे पास इसके अलावा 6 और चेंजेस हैं और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लुक्स हैं. और जैसे कि हेट स्टोरी 4 का एक जो थीम है वो रेड कलर का है, तो इसका भी एक थीम जो है स्पाइसी रेड कलर का है. तो कितने प्रिपरेशन किए हैं स्पेशली आज के दिन के लिए, और कोई अगर पहले के फर्स्ट जो फोटोशूट किया था ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, इससे पहले मैं वेडिंग वाउस के संग पहले भी हमें कवर शूट कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि फ़ोटोशूट्स काफ़ी अच्छे निकल करके आते हैं. आई थिंक बीइंग एन इंडियन एक आपका बहुत ज़रूरी होता है कि एक इंडियन फ़ोटोशूट बाहर निकल कर आए. और वेडिंग वाउस इज़ जस्ट लाइक अ परफेक्ट मैगज़ीन जिसमें आप एक अपनी इंडियननेस को, एक भारतीय नारी जिस तरीके से परिधान पहनती है उस तरीके से यू कैन जस्ट यू नो क्रिएट सो मेनी लुक्स. राइट, हेज स्टोरी 4 के ट्रेलर ने बहुत धमाल मचाया, उसके बाद जो आशिक बनाया आपने गाना है उसने जो है धमाल मचा दिया. तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है फिल्म को लेकर और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अपने किरदार को? जी, ये मेरी करियर की सबसे पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ.
मेरे पहली विमेन ओरिएंटेड फिल्म है. जो कैरेक्टर है मूवी में ताशा, शी इज़ द मेन फेस ऑफ द फिल्म. वो एक फिल्म की मेन हीरो है. उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस में कहानी घूमती है, उसके कैरेक्टराइजेशंस के आसपास कहानी घूमती है. सो हेट स्टोरी 4 इज़ पीपल हैव लव्ड इट सो मच, लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद करी, इस करके हम पार्ट 4 तक आए हैं इस फ्रेंचाइज के. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जिस तरीके से हमारे ट्रेलर को इतना आप सभी ने इतना प्यार दिया और इतना सराहा. ट्रेलर में हम ऑलरेडी मोर देन 40 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं यूट्यूब एंड डिजिटली फेसबुक एंड सारे सोशल मीडियाज़ में. और रही बात आशिक बनाया की, तो काफ़ी मेहनत की थी उस सॉन्ग को लेकर के. आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू ब्रिंग इन हील्स कोरियोग्राफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडिया में फर्स्ट टाइम हील्स कोरियोग्राफी हमने आशिक बनाया में की है. एंड आई फील वेरी प्राउड कि आई बिकेम द फर्स्ट एक्टर जो हील्स कोरियोग्राफी हॉलीवुड से बॉलीवुड लेकर के आ पाई. हील्स कोरियोग्राफी काफ़ी टफ माना जाता है, देखा जाए तो छोटी कुछ आई थी. जी हाँ, जब आप काफ़ी प्रैक्टिस रिहर्सल्स होती हैं तो जो एक एथलीट की जब बात की जाती है तो आपकी जो चांसेस होते हैं इंजरीज के वो कम हो जाते हैं. बट या इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स. हील्स कोरियोग्राफी है, यानिस मार्शल जो है वो करते हैं इसको. सो आई एम रियली हैप्पी. एंड अभी एक और गाना आने वाला है आप धूम मचाने के लिए, उसमें एक बहुत ही अलग तरह की डिफरेंट कोरियोग्राफी की है. जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं मोर देन 11 डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ, डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ. तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी मेरे सॉन्ग्स आएँ तो उसमें कुछ ना कुछ मैं हमेशा नया प्रेजेंट करूँ बॉलीवुड में एंड साथ ही साथ इंटायर इंडिया के सभी दर्शकों और मेरे फैंस के लिए. आशिक बनाया के टाइम जो गाना लॉन्च होने वाला था तभी आप गुनगुना रही थी गाना, तो मतलब इन फ्यूचर देख सकते हैं कि आप गाना भी गाने वाली है. हाँ, वो चाहते हैं कि मैं आशिक बनाया आपने का वर्जन गाऊँ, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है. बट वेरी श्योर वेरी सून इफ दे वॉन्ट मी. यस, अभी ओनली वील टॉक अबाउट हेट स्टोरी 4 जो कि 9 मार्च को रिलीज होने के लिए जा रही है. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच हेट स्टोरी 4. अभी हमारा एक और गाना रिलीज हुआ है बूंद बूंद, जो भी बहुत अमेजिंगली सभी को बहुत पसंद आ रहा है. इट्स अ वेरी सोलफुल रोमांटिक ट्रैक एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है. दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल.